हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है जो वो अब तक कह नहीं पाए हैं, ये कहना चाह रहे हैं और किसी कारण से बोल नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। हम चैनल करने की कोशिश करेंगे उनकी बातों को। ठीक है व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कभी भी क्यों ना पहुंचे हों। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। ओके, और एक जरूरी सूचना कि व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूं, तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से या किसी और के नाम से भी कोई भी व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देता है, उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। This card wants to come out. Wow, 10 of Pentacles. Interesting. 2 of Swords. Strength. Knight of Cups. सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स, ये एरोप्लेन्स की आवाज है। ओके, तो व्यूअर्स वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा लगता है पहली चीज तो ये कि कोई डिसीजन लेने का वक्त आ गया है और वो जानते हैं कि डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, समय आ गया है कि वो कोई डिसीजन ले लें। उनके पास अगर दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं, कोई भी दो सिचुएशंस हैं, उनमें से एक का चयन कर लें, एक सिचुएशन को, एक रास्ते को, एक डायरेक्शन को चूज कर लें। चाहे आप या कोई और भी हैं तो भी उन्हें एक चीज को चूज करना चाहिए, एक पर्सन को चूज करना चाहिए और एक डायरेक्शन को चूज करना चाहिए। तो यहाँ वो जानते हैं कि सही समय आ गया है चयन करने का, इसीलिए थोड़ा मैं कहूँगी स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है जो सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड सिचुएशन जो भी है वो इनके लिए थोड़ी कंट्रोल वाली हो, प्रेशर वाली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज वाली हो, जिसको इतनी जल्दी से रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसको इतनी जल्दी रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसको इतनी जल्दी रिमूव किया नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ आप भी हैं जो उनके लिए प्रीशियस हैं, आपकी वैल्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन में फंस के रह गए हैं कि वो डिसीजन कैसे ले, जबकि आप भी चाहते हो कि उन्हें कोई डिसीजन लेना होगा, वो भी जानते हैं कि उन्हें कोई डिसीजन लेना होगा, लेकिन वो परेशान हैं। बस वो कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन अलग है और स्टक हो जाना अलग है। उन्हें कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें क्लैरिटी है कि वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी वाली परिस्थिति है जिसकी वजह से वो फंस चुके हैं और एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी इस चीज को लेकर नहीं कि वो चाहते क्या है, वो इस तरीके का सोल्यूशन चाहते हैं कि वो आपको भी चुन लें और इससे किसी और कोई और चीज को हार्म ना हो, किसी और सिचुएशन को अफेक्ट ना हो, किसी और परिस्थिति पर, किसी और चीज पर असर ना आए, तो वो कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं, जबकि वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनका विजन भी क्लियर नहीं है। यस, तो वो आपसे कहना चाहते हैं व्यूअर्स, मुझे पता है, आई नो दैट डिसीजन लेने का समय आ गया है, मुझे पता है कि मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए, एक तरफ हो जाना चाहिए, एक को चूज करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं डिसीजन, मैं नहीं ले पा रही हूं, आई एम स्टक। ये उनका चैनल्ड मैसेज है फ्रॉम दिस कार्ड, आई एम स्टक, आई एम अनेबल टू टेक डिसीजन, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं, ये चैनल्ड हो रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्टेबल, एक
एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा तो मन करता है मैं आपको सब कुछ आपको गिफ्ट कर दूं, मेरा तो मन करता है कि मैं दुनिया जहां की सारी खुशियां आपको लाके दे दूं। तो कहीं ना कहीं वो आपको सेटिस्फाइड फील कराना चाहते हैं, कंफर्ट, जो भी कंफर्ट्स हैं लाइफ के वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यूअर्स की वो हर तरह से आपको खुश रखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है वो आपसे ये कह रहे हैं दैट आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, चाहे मेरे बस में है चाहे नहीं है, मेरा मन ऐसा होता है कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ। यहाँ पर व्यूअर्स एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आई कैन सी द हैप्पी फैमिली, उनकी सक्सेस, उनकी उनका जो खुद का सक्सेस का डेफिनेशन है वो यही है कि आपके साथ अगर इनका फ्यूचर हो जाता है, आपके साथ अगर इनकी शादी हो, आपके साथ इनका यूनियन हो, तो वो इनके लिए असल मायने में इनके लिए वो सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कह रहे हैं दैट यू आर माई सक्सेस, इफ यू आर विद मी देन आई एम सक्सेसफुल। तो वो आपसे कह रहे हैं आप ही मेरी सक्सेस हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं और आप इनके लिए प्रीशियस बहुत हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है, इट्स अ ट्रेजर लाइक एनर्जी, तो ये भी दर्शाता है व्यूअर्स कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत ही अमूल्य हैं, जिसका कोई मोल नहीं है, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हैं। एक मैसेज चैनल हो रहा है, एक मैसेज चैनल हो रहा है व्यूअर्स, आपने मुझे जीना सिखाया है, यू टॉट मी हाउ टू लिव, यू टॉट मी हाउ टू लिव। हो सकता है व्यूअर्स आपसे मिलने से पहले शायद ये अलग तरह के इंसान थे, कुछ नेगेटिव, कुछ बैड, कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसा हो सकता है इनके अंदर। आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत बदलाव आया है, तो इस चीज़ के लिए ये आपको थैंक यू भी कर रहे हैं दैट यू टॉट मी हाउ टू लिव, हाउ टू बी। आपने इन्हें सिखाया है बहुत कुछ, आपने इन्हें बहुत इंस्पायर कर दिया है व्यूअर्स। यहाँ पर व्यूअर्स स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, मुझे लगता है कि वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं एक डिसीजन ले पाऊँ, यू नो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, या मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ कि मैं एक डिसीजन ले पाऊँ, क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी बता रहे हैं वो। उनके पास मॉरल सपोर्ट की कमी है, इमोशनल सपोर्ट की कमी है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी सिचुएशन में स्टक इसीलिए है व्यूअर्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है। ओके, कॉन्फिडेंस भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस कभी आ नहीं पाएगा, यू नो ये सपोर्ट इन्हें कभी मिल नहीं पाएगा, इट्स जस्ट दैट अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे डर लग रहा है, ये मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा कुछ। जब इंसान बहुत हेल्पलेस फील करता है तो ये भी चैनल हो रहा है आई एम वेरी हेल्पलेस, यू नो मैं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, आई एम फीलिंग वेरी वीक। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनकी जो वाइल्ड साइड है, वाइल्ड यानी कि यू नो इनकी जो अग्रेसिव या एंग्री साइड है, वो साइड ये अभी शो नहीं कर रहे हैं, वो साइड ये अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ये काम और क्वाइट साइलेंट इस सिचुएशन में है अभी। अभी इन्होंने अपनी दूसरी साइड को एक्टिवेट नहीं किया है, यानी कि ये अभी गुस्से से काम नहीं ले रहे हैं, ये अभी अग्रेशन से काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका अग्रेशन इनकी सिचुएशन और बिगाड़ भी सकता है। तो यहां से यहां पर ये कह रहे हैं व्यूअर्स आपसे दैट आई एम क्वाइट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन। यहां पर मैसेज चैनल हो रहा है व्यूअर्स आई एम क्वाइट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन। तो हो सकता है अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो एक चैनल्ड मैसेज ये भी है आई एम क्वाइट फॉर अ सर्टेन रीजन, किसी कारण की वजह से ही मैं चुप हूं, यूं ही चुप नहीं हूं। आगे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं लगता है व्यूअर्स आपको आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई विल कम टू यू। ओके, यानी कि मुझ पर भरोसा करो, मेरा विश्वास करो, मैं एक दिन आपके पास ज़रूर आऊँगा या आऊँगी।
और ये एक दिन की बात इसीलिए है, ये अभी इंस्टेंट की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना व्यूअर्स, वो नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है व्यूअर्स, वो दिखाता तो है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में लिया जाएगा। ये एक्शन थोड़ा डिले है, ये प्रपोजल इनकी तरफ से आएगा तो, लेकिन ये डिले होगा। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज चैनल हो रहा है दैट दे आर सेइंग प्लीज वेट फॉर मी, ये आपसे कह रहे हैं प्लीज मेरा इंतजार करना, प्लीज वेट फॉर मी। यस, इन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर लोगे, किसी और को चूज कर लोगे, आप क्यों इनका वेट करोगे, बट ये फिर भी कह रहे हैं प्लीज वेट फॉर मी। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन्हें समय लग सकता है आने में, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में, इश्यूज को रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। और ये जो कार्ड है ये भी यही दिखा रहा है कि डिले इन द प्रपोजल, बट प्रपोजल इज सॉलिड। देर से आएंगे लेकिन प्रपोजल जो होगा वो स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा। ओके, चलिए मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। केमिस्ट्री, ओके, देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर व्यूअर्स, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। न जाने आप में ऐसा क्या मैग्नेट है, न जाने आप में ऐसी क्या बात है कि वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और वो खुद भी नहीं जानते कि इतनी केमिस्ट्री उन्हें क्यों महसूस हो रही है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इतनी केमिस्ट्री कैसे है, वो नहीं जानते, खुद भी नहीं जानते। और यहाँ पर एक स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं व्यूअर्स वो आपकी तरफ, और ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, इनकी तरफ से ये मैसेज है दैट आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। अगर व्यूअर्स आपकी तबीयत भी खराब हुई थी रिसेंटली और इन्हें पता चला था कि आपको कोल्ड हुआ है या कोई और हेल्थ इशू हुआ है छोटा या बड़ा, तो ये आपकी केयर करना चाहते थे खुद से, पर्सनली आके आपकी केयर करना चाहते थे, पर शायद नहीं कर पाए। यस, एंड दे लव योर लेग्स, इस पिक्चर से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है, शायद ये भी चैनल्ड मैसेज है, जब भी मुझे यहां पर ऐसा लगा है दैट आई लव योर लेग्स, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। योर लेग्स आर ब्यूटिफुल, आई थिंक ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है फ्री, ओके, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ व्यूअर्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो फ्री होना चाहते हैं, वो जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वो वहां से फ्री होना चाहते हैं। तो अगर आपका ऐसा पर्सपेक्टिव है या आप ऐसे जज कर रहे हैं इन्हें कि ये खुद इस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते और बहाने दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा डाउट है तो वो आपसे ही कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद फ्री होना चाहता हूँ इस सिचुएशन से, मैं इस स्टकनेस से खुद बाहर आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। ओके, मुझे तो ये लगता है कि मुझे मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में ही होना चाहिए। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ही चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहती हूँ, मैं इस जेल से, इस रिस्ट्रिक्शन से, इस कॉम्प्रोमाइज से या इस कंडीशन से फ्री होना चाहता हूँ या फ्री होना चाहती हूँ। फ्री योर सेल्फ, ओके, और इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यानी कि ये तो खुद चाहते हैं कि इनकी लाइफ का कंट्रोल, इनकी लाइफ का डिसीजन इनके हाथ में रहे। ओके, अगर व्यूअर्स ड्रीम्स में या फोटोग्राफ्स में या वीडियोस में, मूवीज में, कहीं भी अगर आपको व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा नजर आ रहा है, या कहीं आपने यूनिकॉर्न की फोटो भी देखी है, इट्स पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव साइन है डिवाइन की तरफ से। मैं कहूंगी कि ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, आपके कनेक्शन के फ्यूचर के लिए और पर्सनली आपके लिए भी व्यूअर्स। अगर आपको सफेद घोड़ा दिख रहा है, ओके, आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, दौड़ता हुआ दिख रहा है, तो और भी अच्छा साइन है। ओके, तो व्हाइट हॉर्स, अगर यूनिकॉर्न भी देखा है तो भी, यूनिकॉर्न ड्रीम्स में देखा है या मूवीज में देखा है, नहीं तो व्हाइट हॉर्स रियल लाइफ में देखा है तो भी, तो ये इट्स अ गुड साइन। ओके,
व्हाइट हॉर्स ब्यूटिफुल व्यूअर्स, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए कारण दे रहे हैं, आई एम फेड अप आई एम डन। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स इनकी सिचुएशन ऐसी भी है कि सिर्फ आप ही नहीं चाहते कि ये डिसीजन लें, इनफैक्ट कोई और भी है जो इन्हें इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है इनसे ये बोल बोल के कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। कोई इन्हें ज़बरदस्ती की सलाह दे रहा है, कोई इन्हें ज़बरदस्ती की गाइडेंस दे रहा है जबकि इन्हें नहीं चाहिए, इनके लिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। तो ये बता रहे हैं आई एम फेड अप आई एम डन, ओके, परेशान हो गए हैं ये किसी के सलाह से, किसी के यू नो इन्फ्लुएंस करने से, कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और उस वजह से दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। तो ये कहना चाहते हैं वो आपसे। एंगेजमेंट, वाओ, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। व्यूअर्स, ये तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सीरियस होना चाहते हैं, सीरियस हैं आपके लिए। तो व्यूअर्स, ये आपको बोल रहे हैं दैट आई एम वेरी सीरियस फॉर यू, मुझे तो आपसे शादी करनी है, मेरा इंटेंशन कभी गलत था ही नहीं, मैं हमेशा से आपके लिए सीरियस था या सीरियस थी और मुझे आपसे शादी करनी है। तो एंगेजमेंट एक यू नो एक सीरियसनेस को दर्शाता है एक रिश्ते में, या एक रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यही दिख रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। वाओ, बट जो भी ये डिसीजन लेंगे वो बहुत फेयर होगा, फेयर डिसीजन लेंगे ऐसा लगता है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। जस्ट मैंने ये मैसेज आपको चैनल किया था, जस्ट मैंने आपसे कहा था कि ये आप तक आएंगे जरूर, सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे लेकिन इन्हें समय लगेगा। तो ये आपसे कह रहे हैं प्लीज वेट फॉर मी, आई विल कम टू यू, यही मैंने चैनल किया था आपको। और आप ये मैसेज देख सकते हैं, इसमें लिखा है, आई डोंट नॉट नो विजिबल है या नहीं, इतना डार्क कैसे हो गया ये, ठीक है, इसमें लिखा है, आई होप विजिबल हो, ओके, मे बी नहीं है, इसमें लिखा है आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, मुझे कुछ समय चाहिए उससे पहले कि मैं आपके पास आ पाऊँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, यानी कि आपके पास आने से पहले इन्हें कुछ निपटाना है, कुछ काम खत्म करने हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और उसके लिए इन्हें समय चाहिए। और मैंने आपसे कहा था, यही मैसेज मैंने आपको चैनल किया था और ये यहीं पर आ गया है। जो पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा है व्यूअर्स, वो इंसान तो गलत नहीं होगा, क्या कहते हैं आप बेहतर जानते होंगे इन्हें, मैं बस आई विश यू वर माइन। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या यू नो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच भी रहे हैं या जोड़ लिया है, तो ये बोल रहे हैं कि काश आप मेरे होते, यू नो ये ऐसा कह रहे हैं कि काश आप इनके होते। ये कार्ड आया है जस्ट सी, इसके लिए तो देखना ही होगा आपको, विल यू मैरी मी, मैंने कहा था ये आपसे शादी करना चाहते हैं और मैसेज भी यहाँ पर यही है, विल यू मैरी मी, और एंगेजमेंट का भी मैसेज यहीं पर आया था। यू नो जो हमने कहा था वो सब यहाँ पर क्लियर होता जा रहा है। मैंने बोला था कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनका जो इंटेंशन है वो आपसे शादी करने का ही है व्यूअर्स। सो स्वीट, सी दिस कार्ड, नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई व्यूअर्स आपकी जगह नहीं ले सकता, वो आपको इस बात का अश्योरेंस दे रहे हैं, आपको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता व्यूअर्स। ओके, एक लास्ट कार्ड लेते हैं एंड देन वी आर डन। नो नॉट मोर देन वन, आई नीड वन कार्ड। कार्ड अनफोल्ड हो चुका है व्यूअर्स, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। डू यू लव मी द वे आई लव यू, डू यू लव मी द वे आई लव यू, वो आपसे पूछ रहे हैं
कि जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ या जैसे जिस तरह से मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या आप भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हो? क्या आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? ये आपसे पूछ रहे हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू? जिस तरह से मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या आप भी वैसा ही करते हैं? ओके, तो व्यूअर्स, ये थे उनके चैनल्ड मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये रीडिंग थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्यूरेटली 100% रेजोनेट हुई है तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें व्यूअर्स, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। ओके व्यूअर्स, और एक जरूरी सूचना कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूं, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से या किसी और के नाम से भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देता है, तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैंने YouTube पर अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कुछ लोग सच में बहुत बड़ा कमेंट लिखते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, अप्रिशिएट बहुत करते हैं, लेकिन इट रियली मीन्स अलॉट टू मी व्यूअर्स। आप टाइम निकालते हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, वो कमेंट भी लिखते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, अगली रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली, बाय बाय।